इन दिस सेक्शन आई विल भी टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रटेजिक रिस्क दैट आर दैट आर फॉर्म फेसिस सो स्ट्रटेजिक रिस्क क्या होते हैं बेसिकली जो डिफरेंट स्ट्रेटीज बनाती है मैनेजमेंट ऑफ अ सर्टन फॉर्म उसकी वजह से क्या पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं उस फॉर्म को आर कलेक्टिवली टर्म एज द स्ट्रेटेजिक रिस्कस तो स्ट्रेटेजिक रिस्क को आइडेंटिफाई करना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के हाउ दे कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे सो स्ट्रेटेजिक रिस्क बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम कैसे कह सकते हैं कि जो आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है आपने स्ट्रेटेजी यही बनाई होती है ना कि आप एक सर्टन ऑब्जेक्टिव को मीट करना चाह रहे होते हैं तो जो आपकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है इफ यू फेल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव तो दैट मीन्स दैट यू आर सब्जेक्ट टू स्ट्रेटेजिक रिस्क आपकी जो स्ट्रेटेजी हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स को सेटिसफाई करने में या मीट करने में ना काफी हो गए हैं तो स्ट्रेटेजिक रिस्क को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक नॉन बिजनेस रिस्क सो वेन वी से स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क ये वो रिस्क हैं जो कि प्योरली जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या मैनेजर है या डिपार्टमेंट का हेड है उसके फैसलों की वजह से बिज़नेस को एक्सपीरियंस करने पड़े हैं राइट यानी कि आप की कंपनी के फैसलों की वजह से जो भी रिस्क आप एक्सपीरियंस कर रहे हो दे आर नोन एज द स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम एक फ़ला तरह की सर्विसेज रेंडर करने वाले लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हो हम सिर्फ हम कस्टमर uh, को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसके हमने यूनिट्स बनाए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बड़े मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अपना एक काउंटर लगा लेते हैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपकी प्रोडक्ट बिक्री है आपने वहाँ उन उन बात करके किराया दे के और वहाँ कस्टमर कस्टमर के लिए आफ्टर सेल सर्विसज का काउंटर लगा दिया अब वो जो आपने स्ट्रेटजी ये डिफाइन की कि हम आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उससे क्या होगा हमारे रेवेन्यूज इतने परसेंट इंक्रीज कर जाएंगे क्योंकि बाकी की कंपनियां जब कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज पहुंचाएंगी नहीं तो दैट कैन दैट विल हेल्प द कस्टमर दैट विल पुश द कस्टमर टू बाय मोर एंड मोर ऑफ योर प्रोडक्ट क्योंकि ओनली वन फॉर एग्जाम्पल हु इज ऑफरिंग आफ्टर सेल सर्विसेज और वो भी आपको कोई बाद में टेलीफोन करके किसी एक सर्टन कस्टमर सेल्स सेंटर के ऊपर जाके आपको वो सर्विसेज लेने नहीं है जिस स्टोर से आपने वो अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं वहीं आप काउंटर लगा हुआ वहाँ आपने वो सर्विसेज uh, रेंडर करने के लिए आपने ये प्लान किया हुआ तो ये आपने स्ट्रेटजी बनाई तो बाय द एंड ऑफ द डे सपोज आपने देखा कि आपने टारगेट लगाया था कि हमारी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर हम दस लाख रुपए एडिशनल खर्च करने वाले हैं क्योंकि स्टोर वाले को हमने किराया भी देना है वहाँ हमने एक इंजीनियर बुक करके रखा हुआ है कोई काउंटर पे कोई रसीदे वसीदे काटने के लिए आपने एक क्लर्क रखा था तो ये दो लोग आपने वहाँ भर्ती किए किराया दिया फॉर एग्ज़ाम्पल इससे आपको दस लाख रुपये एडिशनल खर्च करने को मिले लेकिन जब आपने सेल्स को देखा तो आपके सेल्स तो इस प्रपॉर्शन से जो आपने ऑब्जेक्टिव किया था कि ऐसा करने से हमारे बीस परसेंट या दस परसेंट या बारह फीसद हमारे सेल्स ऊपर चले जाएंगे वो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो आपने नुकसान उठाया दैट वॉज बिकॉज ऑफ द बिजनेस रिस्क दिस पर्टिकुलर रिस्क वॉज नुकसान लॉस इज लॉस वॉज इनकर्ड बिकॉज ऑफ द रिस्क दैट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द डिसन विच यू टुक राइट तो देर इट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क ऑन द कॉन्ट्री वी हैव द स्ट्रेटेजिक नॉन बिजनेस रिस्क इसका क्या मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विस रेंडर कार्य हो जिन जो स्ट्रेटेजी आपने फॉलो किए हैं उसकी वजह से आपको रिस्क नहीं उठाना पड़ा दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स और द एक्शंस दैट आर बींग डन बाय अदर देन यू इंडिविजुअल्स या जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो पार्टीज हैं इन्वॉल्व हैंट दे कैन बी येटर्स और सम अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सोसाइटी जिनकी एक्शंस की वजह से आपको कोई आपका जो बिजनेस है उस वो रिस्क से एक्सपोज हो गया तो दैट टाइप ऑफ रिस्क कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक नॉन बिजनेस रिस्क का मतलब है कि आपके स्ट्रेटेजी की वजह से आप रिस्क से एक्सपोज नहीं हुए रादर कोई और कैरेक्टर्स हैं कोई और इंडिविजुअल हैं कोई और पार्टीज हैं जिनकी स्ट्रेटेजीज की वजह से आप Business risks se zyada expose away So that is that type of risks are known as the strategic non-business risks. So it is essential to before we say that we are coming up with a comprehensive risk management process, it is extremely important to first identify and list and assess. The various types of risks that your business or your firm can be exposed to in future.